नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं हिंदकैम का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CO2 लेजर मार्किंग मशीन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि CO2 लेजर मार्किंग मशीन किस किस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, साथ ही इस मशीन के द्वारा हम क्या क्या काम कर सकते हैं। साथ ही में हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इस मशीन को CO2 लेजर मार्किंग मशीन क्यों कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस मशीन को CO2 लेजर मार्किंग मशीन क्यों कहते हैं। तो जो इसका लेजर का कॉन्सेप्ट है, जो इसमें लेजर जनरेट होती है, वो बेसिकली एक सील्ड ट्यूब है CO2 की, मतलब एक सील्ड ट्यूब जिसमें CO2 भरा हुआ है, जिसके थ्रू लेजर जनरेट होती है और जिससे हम किसी भी मटेरियल पे मार्क करते हैं। तो बेसिकली CO2 लेजर मार्किंग मशीन में हमारे पास ट्यूब के दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है ग्लास ट्यूब, दूसरा होता है मेटल ट्यूब। मेटल ट्यूब को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसकी भी एक वजह है। वजह यह है कि जो ग्लास की ट्यूब होती है उसको मेंटेनेंस की जरूरत ज्यादा होती है। बेसिकली ग्लास की ट्यूब को ठंडा करने के लिए हमें जरूरत होती है वाटर चिलर की। उसमें हमें यह चेक करना पड़ता है कि जब तक चिलर हमारा चालू नहीं होता, जब तक हमारे ट्यूब में पानी फिल नहीं हो जाता, तब तक जो हमारा सोर्स है वो ऑन ना हो। अदरवाइज उसके जो हमारा ग्लास का ट्यूब होता है उसके डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस मशीन को इस रिगार्डिंग सर्विस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। जो हमारा मेटल ट्यूब होता है वो एयर कूल्ड सिस्टम होता है, इसमें किसी भी तरह के किसी मेंटेनेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऊपर से मेटल ट्यूब वाली CO2 लेजर मार्किंग मशीन है, इसको चलाने के लिए किसी भी ट्रेंड ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती कि जिसको सबसे पहले सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी, सब कुछ पहले चिलर चालू हुआ या नहीं हुआ, ट्यूब में पानी आया या नहीं आया, अदरवाइज ट्यूब के क्रैक होने के चांसेस होते हैं। तो मेटल ट्यूब का ये बेनिफिट है कि इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होता, ऊपर से इसको चलाने के लिए किसी ट्रेंड ऑपरेटर की भी जरूरत नहीं होती है। ये तो हमने जाना अपनी CO2 लेजर मार्किंग मशीन को, अब जान लेते हैं इसके एप्लीकेशन और यूजेस। बेसिकली CO2 लेजर मार्किंग मशीन का काम होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे मार्क करना, जिसमें आ जाते हैं हमारे नॉन मेटल्स जैसे कि प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, रबड़, अक्रैलिक, इसके अलावा सेरामिक्स हो जाते हैं, जो भी हमारे चार्जर के अडेप्टर्स वगैरह होते हैं, इन सब पे हम इसके थ्रू मार्क कर सकते हैं। ABS पे मार्क कर सकते हैं, MDF पे, वुड पे, पेपर पे, प्लास्टिक पे, पन्नियों पे भी इस मशीन के द्वारा हम मार्किंग कर सकते हैं। इस मशीन का जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो होता है गिफ्ट लाइन में, मतलब जो इंडस्ट्री है गिफ्टिंग की, जो गिफ्ट से रिलेटेड आइटम्स बनाती है या फिर होम डेकोर से रिलेटेड आइटम्स बनाती है, उस इंडस्ट्री में हमारे CO2 लेजर मार्किंग मशीन का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। CO2 मार्किंग मशीन का उपयोग बैच बनाने के लिए भी किया जाता है, खिलौनों पे मार्किंग के लिए भी हम CO2 मार्किंग मशीन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो कुछ जार्स होते हैं, जो हमारे मिट्टी के जार्स होते हैं, उन पे भी हम CO2 लेजर मार्किंग मशीन के द्वारा मार्किंग कर सकते हैं। साथ ही में जो कुछ मेटल्स होते हैं जिन पे कुछ खास तरह की कोटिंग की हुई होती है, उस पे भी मार्किंग करने के लिए हमें CO2 लेजर मार्किंग मशीन का उपयोग करना पड़ता है। इसके अलावा गारमेंट्स इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। किसी भी तरह की टी शर्ट्स, शर्ट्स, जीन्स, पैंट्स, कैप्स या किसी भी चीजों पे मार्किंग करने के लिए, बेसिकली कोई लोगो प्रिंट करने के लिए, कोई स्लोगन प्रिंट करने के लिए, या फिर कोई भी चीज जो आप चाहते हैं वो प्रिंट करने के लिए CO2 लेजर मार्किंग मशीन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बैग्स, हैंडबैग्स या अलग अलग टाइप की और भी जो आइटम्स होती हैं, जैसे हमारे लेदर के बैग्स होते हैं, बेल्ट्स होते हैं, वॉचेस हो गई, इन सब पे मार्किंग करने के लिए भी CO2 लेजर मार्किंग मशीन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा CO2 लेजर मार्किंग मशीन का जो सबसे बड़ा फील्ड है वो है हमारा शूज इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री। जो हमारे फुटवेयर्स होते हैं, जैसे जूते या चप्पल के सोल होते हैं, जूते के अपर हो गए, सैंडल के अपर्स हो गए, इस पे जो भी हमें मार्किंग किए हुए डिजाइन देखने को मिलते हैं वो CO2 लेजर मार्किंग मशीन के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल पैकेजिंग और फूड पैकेजिंग लाइन में भी हमें CO2 लेजर मार्किंग मशीन का इस्तेमाल होता हुआ दिख सकता है। तो अब हम कुछ सैंपल्स पे मार्क करके देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट आता है CO2 लेजर मार्किंग मशीन के द्वारा, अलग अलग मटेरियल्स पे मार्क करने से हमें क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आइए अब हम आपको कुछ मटेरियल्स मार्क करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। हमारे पास ये एक चप्पल का सोल है, बेसिकली हम इस पे मार्क करके देखते हैं क्या इफेक्ट आता है और CO2 लेजर मार्किंग मशीन हमारे इस पे क्या आउटपुट देती है। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे मार्किंग एरिया है, अब हम इस पे मार्क करेंगे। हमने इसमें हैचिंग वगैरह फिल कर लिया, बिल्कुल हल्की हैचिंग फिल करी है, और स्पीड में इसको हम चला के देखेंगे।
तो अब ये शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है और ये बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देती है इन चप्पलों के सोल पे। ये आप देख सकते हैं, आप इस पर किसी भी तरह का कोई भी डिज़ाइन मार्क कर सकते हैं, आप पूरे पे पैटर्न भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन पे चप्पल की नंबरिंग जो भी होती है, साइज नंबरिंग वो करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, या अगर आप MRP लिखना चाहते हैं तो वो भी इसके थ्रू आप लिख सकते हैं। चप्पल की सोल के बाद अब हम MDF पे एक अपना डिज़ाइन छोटा सा मार्क करके देखेंगे। देखते हैं MDF पे CO2 लेजर मार्किंग मशीन कैसा आउटपुट देती है। तो आइए देखते हैं। ये डिज़ाइन हमने एक शेर का डिज़ाइन रेडी किया है, अब हम इसको देखते हैं कि हमारे गत्ते पे किस स्पेस पे आएगा। अब हम यहाँ पे रख के इसको मार्क करके देखेंगे कि क्या हमारा आउटपुट आता है। ये हमने चेक कर लिया है हमारा मार्किंग एरिया। अब हम इस पर मार्किंग के लिए कमांड देते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये इस पर एक बहुत ही बढ़िया सा शेर आया है बनके। ये देखने में भी इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप इसको किसी भी तरह के गिफ्ट आइटम्स पे या फिर किसी भी तरह के गिफ्ट बॉक्स पे ऐसा कुछ भी बना के दे सकते हैं। तो इसके बाद अब हम देखेंगे एक बॉक्स पे एक चीज़ मार्क करके देखेंगे। हम देख रहे हैं कि हम बॉक्स पे क्या क्या करके जो गत्ते का बॉक्स है उस पर CO2 लेजर मार्किंग से कैसे मार्किंग कर सकते हैं और क्या उसका आउटपुट आता है। तो ये हमने एक बॉक्स ले लिया है। बेसिकली इस बॉक्स में हम किसी भी तरह की पैकिंग कर सकते हैं। ये एक गत्ते का बॉक्स है जिसमें हम जो भी मटेरियल डाल के पैक करना चाहें अपने कस्टमर को के लिए वो पैक कर सकते हैं। इस पर हम CO2 लेजर मार्किंग मशीन की मदद से मार्क करके देखेंगे कि कैसा आउटपुट आता है। तो आइए देखते हैं। ये हमने एक बुद्धा का डिज़ाइन यहाँ पे तैयार किया है। अब हम देखते हैं इस डब्बे पे इसका क्या इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या इसका मार्किंग एरिया है, कि कहाँ पे हमें इसे मार्क करना है। तो ये हमने मार्किंग एरिया एक सेट कर लिया है, अब हम यहाँ पे इसको मार्क करेंगे। तो अब हम मार्किंग शुरू करते हैं। अब जैसा कि हम देख सकते हैं ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इस पर हमने ये एक बुद्धा का एक इमेज टाइप कह सकते हैं जो हमने प्रिंट किया है, साथ ही में इस पर लिखा है मेडिटेशन फॉर लाइफ। तो आप इसी तरह का कुछ भी किसी भी बॉक्स पे जो नॉन मेटल का बॉक्स होगा उस पर आप प्रिंट कर सकते हैं। ये आप किसी को एज अ गिफ्ट देना चाहें या फिर एज अ गिफ्ट बॉक्स आप पैक करके किसी को डिलीवर करना चाहें, आप कोई भी इमेज अपना ब्रांड लोगो या फिर उनका कोई लोगो या फिर किसी भी टाइप का इमोजी या कॉम्प्लीमेंट्री स्लोगन जो भी आप लिख के देना चाहें गिफ्ट बॉक्स पे, जो कि लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है, आपकी कंपनी के लिए उनके माइंड में बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, ये आप CO2 लेजर मार्किंग मशीन की मदद से करके दे सकते हैं। बॉक्स के बाद हम अब एक पॉलीथीन पे मार्किंग करके देखेंगे। ये हमने एक पॉलीथीन लिया है जो कि बेसिकली एक डाटा केबल का पैकिंग कह सकते हैं, डाटा केबल की पैकिंग है। अब हम इस पर नाम लिख के देखेंगे कि CO2 लेजर मार्किंग मशीन की मदद से इस पन्नी पर कैसा इफेक्ट आता है। तो ये हमने इस पर अपना नाम लिख लिया अपनी कंपनी का, हिंदकैम प्राइवेट लिमिटेड। ये हमने इस पर मार्किंग एरिया सेट कर लिया है, अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा इफेक्ट आया है। बेसिकली इसमें जो इफेक्ट आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि कैसा है, इसमें हमारा बिल्कुल नाम जो है वो क्लियर दिख रहा है। अब हम CO2 लेजर मार्किंग मशीन की मदद से एक्रेलिक पे मार्क करके देखेंगे, हम देखेंगे कि कैसा इफेक्ट आता है। तो ये हमने एक डिज़ाइन तैयार किया हुआ है जिससे हम अभी एक्रेलिक पे मार्क करेंगे। सबसे पहले हम ये रेड कलर का कलर्ड एक्रेलिक शीट लेके इस पर चेक करते हैं कि कैसा आउटपुट आता है। सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया हमारा क्या मार्किंग एरिया है, अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। ये हमने मार्किंग स्टार्ट कर दी है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं मार्किंग कंप्लीट हो गई है। ये इस पर सफ़ेद कलर का बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आया है। तो आप किसी भी तरह के एक्रेलिक पे आप किसी भी टाइप की मार्किंग कर सकते हैं। इसके थ्रू आप नेम प्लेट भी बना सकते हैं या फिर आप कोई बैज या फिर कोई टैग कुछ भी आप बनाना चाहें जो भी एक्रेलिक पे वो बना सकते हैं। अब इसके बाद कलर्ड एक्रेलिक शीट के बाद हम ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक पे भी CO2 लेजर मार्किंग मशीन की मदद से मार्किंग करके देखेंगे। बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि दूसरी मार्किंग मशीनों पे जो हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे मार्किंग करते हैं, जैसे हम फाइबर लेजर मशीन से ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक पे मार्किंग करते हैं तो वो हो नहीं पाती है। अब हम CO2 लेजर मार्किंग मशीन की मदद से देखेंगे कि क्या हम ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक पे मार्क कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सेम प्रोग्राम हम इस शीट पे भी चलाएंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी रेडी है।
जो हमने अपने पिछले शीट पे भी चलाया था, तो अब हम इस पे भी सेम प्रोग्राम चला के देखते हैं। ये हमने अपना पीस सेट कर लिया है और अब हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि इस पे हमारी ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है और इस पे भी ये जो इफेक्ट आया है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इफेक्ट है। आमतौर पर ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक पे ऐसा इफेक्ट देखने को हमें नहीं मिलता है दूसरी मार्किंग मशीनों से, बट जैसा कि अभी हम ये देख सकते हैं CO2 लेजर मार्किंग मशीन की मदद से इस पे ये बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आया है। और जो इसकी ये मार्किंग है इसको हम सिर्फ एक ही सरफेस करेंगे, ये दूसरे सरफेस पर हमें बिल्कुल भी फील नहीं होगा, ये एक ही तरफ से मार्क हुआ है और इसका जो इफेक्ट है वो दोनों ही तरफ देखने में हमें बहुत ही सुंदर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक के बाद अब हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास पे मार्क करके देखते हैं और देखते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास पे कैसा आउटपुट हमें देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं, हम सेम डिज़ाइन इस पर भी मार्क करेंगे। तो हमने अपना मार्किंग का एरिया सेट कर लिया है, अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग स्टार्ट कर दी है। तो ये हम देख सकते हैं ये मार्किंग तो हमारी हो गई है, बट जो हमारा रिजल्ट है वो पास से देखने पे नज़र आ रहा है। बेसिकली जो कांच के ऊपर के जितने एरिया में मार्किंग हुई है वो थोड़ी सी परत हट गई है और जो हमारा इफेक्ट है वो ऐसा हमें देखने को मिलता है। CO2 लेज़र मार्किंग मशीन 15 वाट और 30 वाट पावर के साथ उपलब्ध है। यदि आप इस मशीन के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मोपा लेजर मार्किंग मशीन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।